भारत समेत दुनिया के 180 देश कोरोना वायरस की जकड़ में हैं और लगातार इस वायरस से हर कोई परेशान है और इसके एंटीडोट की उम्मीद में इन्होंने एक साल बिता दिया। लेकिन अब वैक्सीनेशन शुरू हो गया है और लगातार इस वायरस को हराने के लिए इसका काम लगातार जारी है। इस दौरान ऐसे कई सारे देश हैं जो लगातार वैक्सीन की डोजेस को ऑर्डर किए जा रहे हैं, तो वहीं कुछ देश ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और WHO के माध्यम से वैक्सीन अपने देश के नागरिकों को देने के लिए खरीद रहे हैं। अब ऐसे में एक ऐसा देश है जिसने ये कहा है कि उन्हें कोरोना वायरस वैक्सीनेशन की कोई जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इस देश का कहना है कि उनके देश में कोरोना का एक भी अंश नहीं है, इसलिए उन्हें इस वैक्सीन की भी कोई जरूरत नहीं है। दरअसल हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तंजानिया की। जी हाँ दोस्तों, ये पूर्वी दक्षिणी अफ्रीकी देश तंजानिया लगातार यही कह रहा है कि उसे कोरोना वैक्सीन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके देश में कभी कोरोना का प्रवेश हुआ ही नहीं। तंजानिया की सरकार बिना किसी टेस्टिंग के लगातार ये दावे किए जा रही है। तंजानिया के राष्ट्रपति तक ने ये भी कहा है कि ये कोरोना वायरस और ये वैक्सीनेशन सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने का एक तरीका है और ये वैक्सीनेशन सिर्फ लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने का एक तरीका है और वो अपने लोगों को इसकी जकड़ में नहीं आने देंगे और इसलिए वो वैक्सीन नहीं खरीदेंगे और ना ही अपने किसी देशवासी को ये वैक्सीन लगने भी देंगे। इसके साथ ही लगातार इस देश में ऐसे तथ्य सामने रखे गए हैं जिनसे ये पता लगे कि तंजानिया में कोरोना वायरस महामारी का प्रवेश कभी हुआ ही नहीं और ये देश पूरे तरीके से सुरक्षित है। तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन मुगुफिली का कहना है कि अपने देश में कोरोना वायरस महामारी के नाम पर वो लोगों को ठगी का शिकार नहीं होने देंगे। इसके अलावा तंजानिया में कई बार कई लोगों की संदिग्ध मृत्यु हुई और उनके घर वालों का यही कहना था कि इस वायरस की वजह से उनके परिवार वालों की मौत हुई, लेकिन सरकार की तरफ से हर बार उनकी बातों को दबाया गया और इसके बाद से कभी भी किसी के परिवार वालों ने कोरोना वायरस को लेकर उनके मन में जो शंका है उसे लेकर सवाल नहीं उठाया। इसके अलावा एक दफा एक स्कूल में भी कोरोना वायरस का एक मामला सामने आया था जिसके बाद स्कूल को बंद कर दिया गया। इसके साथ ही यहाँ पर तंजानिया की सरकार ने इसमें दखलंदाजी दी और स्कूल पर पूरे तरीके से कठोर कदम उठाए गए और इसके बाद स्कूल को अपना स्कूल बंद करने का प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। साथ ही में कोरोना महामारी से बचाव के लिए जिस मास्क का प्रयोग किया जा रहा है उसके भी प्रभाव पर राष्ट्रपति के द्वारा सवाल खड़े किए गए हैं। इवन उनका तो यही कहना था कि वो भाप का इस्तेमाल करें इस बीमारी से खुद को सुरक्षित रखने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी कहा गया है कि उनके देश में तो कोरोना वायरस का कोई अस्तित्व नहीं है और ना ही यहाँ पर इस वायरस का प्रवेश हो सकता है, लेकिन आसपास के देशों में इस वायरस का प्रभाव है, इसलिए लोगों को अपनी सुरक्षा और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। वक्त वक्त पर हाथ धोते रहना चाहिए, सैनिटाइजेशन करते रहना चाहिए। और ये कहना है तंजानिया की स्वास्थ्य मंत्री का। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लोगों को जरूरी एहतियात बरतने और प्राकृतिक रूप से इलाज करवाते रहने की हिदायत दी थी। और कोरोना वायरस जो कि एक महामारी है जिसने दुनिया भर को अपनी जद में रखा है, उसके खिलाफ उसके प्रति तंजानिया का बिहेवियर बिल्कुल इग्नोरेंस वाला है। वो लगातार इसे कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं बल्कि लोगों को कह रहे हैं जस्ट इग्नोर दिस। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।